और इस बीच एक बड़ी खबर आपको लखनऊ से दे दें, जहां अब्बास अंसारी के सरेंडर की आहट पर पुलिस अलर्ट पर है। हाईकोर्ट की पुरानी बिल्डिंग को चारों तरफ से पुलिस ने घेरा हुआ है, पुलिस का पहरा है। यहां एसीपी के नेतृत्व में कई थानों की पुलिस टीम यहां मौजूद है, पुलिस वाहनों की तलाशी ली जा रही है। एमपी एमएलए कोर्ट के बाहर पुलिसकर्मी तैनात है। यहां आशंका है कि अब्बास अंसारी सरेंडर के लिए आ सकता है, लेकिन उससे पहले ही पुलिस धर दबोचना चाहती है। अब्बास अंसारी के सरेंडर की आहट पर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। हाईकोर्ट की पुरानी बिल्डिंग के चारों तरफ पुलिस का पहरा नजर आ रहा है, जहां कई टीमें बनाकर पहरा दिया जा रहा है। एसीपी के नेतृत्व में कई थानों की पुलिस टीम कोर्ट के आसपास मौजूद है, पुलिस वाहनों की तलाशी ले रही है। जो भी अंदर जाने वाले और बाहर आने वाले लोग हैं, उनकी तलाशी ली जा रही है कि कहीं वकील की मदद से कोई अर्जी डाली जाए या फिर अब्बास अंसारी कोर्ट में पहुंचने का प्रयास करें, उससे पहले ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को कोर्ट में पेश करने की आज अंतिम तारीख है और हाई कोर्ट के बाहर इस समय भारी मात्रा में पुलिस तैनात है। एसीपी भी हैं यहां पर और कई थानों की पुलिस फोर्स लगी हुई है कि अब्बास अंसारी अगर सरेंडर करने आता है तो उससे पहले ही उसको गिरफ्तार कर लिया जाए। चूँकि महानगर कोतवाली में अब्बास अंसारी के खिलाफ धोखाधड़ी से शस्त्र लाइसेंस दिल्ली के पते पर ट्रांसफर करने की एक एफआईआर दर्ज है। इस मामले में एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई चल रही है, केस ट्रायल पे चल रहा है और कई बार अब्बास को नोटिस भेजा जा चुका है, लेकिन वो कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ। और आज कोर्ट ने अंतिम तारीख दी थी महानगर पुलिस को कि अब्बास को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया जाए। 25 अगस्त तारीख आज है और समय लगभग पूरा होने को है, लेकिन अब्बास का अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है। अब्बास की तलाश में लखनऊ की कमिश्नरेट पुलिस 8 राज्यों में छानबीन कर रही है। लखनऊ के कम से कम 16 ठिकानों पर दबिश दी गई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के 15 जनपदों में अब्बास की तलाश की जा रही है, उसके कई करीबियों को उठाया गया है, पूछताछ चल रही है, लेकिन अब्बास अंसारी अभी तक लखनऊ पुलिस के हाथ नहीं लगाए। और आप देख रहे हैं कि सारे लगभग लखनऊ कमिश्नरेट के आधे जनपद की फोर्स यहां पर मौजूद है, महानगर कोतवाली के पुलिस के साथ ही अलीगंज और आसपास के हजरतगंज कोतवाली, कैसरबाग कोतवाली, तमाम पुलिस फोर्स यहां पर मौजूद है। बारिश हो रही है, लेकिन अब्बास का इंतजार करती हुई पुलिस को अभी तक हाथ में कुछ नहीं लग सका है। कैमरा सीवी प्रमोद के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।